रफ्तार को पहली नजर में हुआ था कोमल वोरा से प्यार, 6 साल बाद लेने जा रहे हैं तलाक। जाने माने रैपर रफ्तार सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वे अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। इस बीच फिर से रफ्तार का नाम चर्चा में छाया है, लेकिन इस बार वजह उनका काम नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ बनी है। रैपर रफ्तार ने अपनी पत्नी कोमल वोरा से तलाक लेने की अर्जी दी है। उन्होंने अपनी शादी के 6 साल बाद अपनी पत्नी कोमल वोरा से तलाक के लिए अर्जी फाइल की है। गौर हो कि रैपर रफ्तार और कोमल वोरा दिसंबर 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय से एक कपल कथित तौर पर एक दूसरे से अलग रह रहा था। इस कपल के करीबी सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि रफ्तार और कोमल वोरा ने 2020 में ही तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। सूत्र ने कहा कि महामारी के कारण सारे प्रोसेस में देरी हो गई, लेकिन अब रफ्तार इस काम में किसी तरह की देरी नहीं चाहते। रफ्तार ने कोमल वोरा से एक कॉमन दोस्त के जरिए मुलाकात की थी। दोनों ने 2016 में शादी के बंधन में बंधने से पहले 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। बता दें कि कोमल और रफ्तार 2011 में एक दोस्त के यहाँ मिले थे। इसी के तुरंत बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कपल ने सगाई कर ली और 2016 में शादी की थी। इसके बाद रफ्तार ने अपने विवाह समारोह में तस्वीरें पोस्ट की थी और लिखा था अपनी सोलमेट से शादी की। फिलहाल रफ्तार और कोमल ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है और अपनी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से रफ्तार और कोमल वोरा के तलाक का काम कानूनी तौर पर शुरू भी हो गया है। हालांकि इस खबर ने रफ्तार के फैंस का दिल तोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब रफ्तार और पत्नी कोमल 6 अक्टूबर 2022 को तलाक के पेपर्स पर साइन कर देंगे। इसके बाद हमेशा के लिए दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक रफ्तार ने इन खबरों पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि रैपर रफ्तार ने ट्विटर पर अपनी शादी की तस्वीर साझा की थी। इसके अलावा एक इंटरव्यू में रफ्तार ने कोमल को उनके और उनके पेशे का अत्यधिक समर्थन करने का श्रेय दिया था। दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया है। कपल ने अपनी शादी की तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। वर्क फ्रंट की बात करो तो रफ्तार ने आखिरी बार नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी का टाइटल ट्रैक गाया था। वह कुछ सालों तक रियलिटी शो MTV रोडिस में गैंग लीडर भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रफ्तार इस खबर पर अपना क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।